बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत के विसरा में ड्रग्स की जांच नहीं की गई थी। जी हाँ, जब हमने देखा कि ये रिपोर्ट्स आई कि पूरा ड्रग बाकी चीज़ें निल कही गई, तो वो टेस्ट ही नहीं किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के विसरा में ड्रग टेस्ट नहीं किया गया था। सीबीआई इस पर सवाल उठा रही है, सीएफएसएल सवाल उठा रही है, क्योंकि मुंबई की जो फॉरेंसिक लैब की टीम थी उसने सुशांत सिंह राजपूत के विसरा में ड्रग की जांच नहीं की थी, जबकि विसरा रिपोर्ट में ड्रग एक बहुत अहम एंगल होता है। बॉडी के अंदर के फ्लूइड्स जो है, इंटरनल ऑर्गन के फ्लूइड्स निकाल कर टेस्ट किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं फाउल प्ले अगर है, कोई जहर दिया गया है, कोई इंटॉक्सिकेशन किया गया है, तो उसकी जांच करनी बेहद ज़रूरी होती है। तो उसको इग्नोर किया गया, ये बेहद बड़ी लापरवाही है जिस पर सवाल उठाया जा रहा है। लापरवाही की जाँच कर रही है सीबीआई। एम्स ने भी सवाल उठाए हैं, मुंबई की फॉरेंसिक लैब की बड़ी लापरवाही है जिस पर सवालिया निशान लगाए हैं सीबीआई और साथ ही साथ एम्स की टीम ने। मगर अब ये सवाल, ये तो हम लोग जानते हैं कि लापरवाही हुई, अब ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, अब सीबीआई क्या कर रही है, वो जवाब दो हमें। बार बार वही सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, उन सवालों का क्या मायने हैं, जब हम जानते हैं उस रिपोर्ट में लापरवाही हुई, हम जानते हैं उस रिपोर्ट में कुछ नहीं था, तो आखिर वो ही सवाल दोबारा क्यों परोसे जा रहे हैं। सीबीआई अपने जवाब दे, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, हम तो पलके बिछा कर बैठे हैं कि सीबीआई कब अपनी फाइंडिंग्स हमें बताए और हम उसे एक्सेप्ट करें, मगर सीबीआई ने अपनी फाइंडिंग्स अब तक नहीं बताई हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। बने रहें मेरे साथ लगातार।